हमारे YouTube चैनल काव्य इंग्लिश क्लासेस बाय राजीव नागोरिया में आपका फिर से स्वागत है। आज हम 10th क्लास के लिए आपके लेके आए टेंस का टॉपिक। आपको पता है कि टेंस का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपके एक्टिव पैसिव नरेशन और भी कई टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें ये काम आते हैं, और हम आपको टेंस बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे कि जो आपको हैंड टू हैंड बाय हार्ट आपको लर्न हो जाएगा। तो लेट्स डिस्कस अबाउट टेंस। ओके, इसके लिए मैं एक छोटी सी टेबल आपको बनवाएंगे। नेम्स ऑफ टेंस, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। देखो, सबसे पहले हमें पता है कि हम पढ़ते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू एंड डज। इसकी मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस। उसके बाद हम आगे चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। इसकी मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। नेक्स्ट हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी हैज और हैव। इसमें हम मेन वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इनके साथ हम बीन लगा देंगे, हैज बीन और हैव बीन। और इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जोड़ देते हैं। फिर हम बात करते हैं पास्ट सिंपल टेंस की। पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और इसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाक्यों में डिड लगाते हैं और डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फिर हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर, और मेन वर्ब की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। क्या होती है? हैड। और इसमें हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फिर हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड के साथ में बीन लग गया था, उसी प्रकार से यहां भी हैड के साथ में बीन लग जाएगा, हैड बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर सिंपल टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शेल, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसमें इनके साथ में केवल बी शब्द लग जाएगा, विल बी और शेल बी। क्या लग जाएगा? विल बी और शेल बी, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसके साथ में हैव लग जाएगा, विल हैव, शैल हैव, केवल हैव, विल हैव और शैल हैव, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। लास्ट जो हमारा टेंस आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें हम ऐसे बीन लगाएंगे, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बी या शेल हैव बी। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया, अब इसको लर्न करने का तरीका बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम ये देखेंगे। जैसे कि कंटिन्यूअस टेंस कौन कौन से हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जहां पर भी कंटिन्यूअस शब्द आ जाए सभी के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। तो सिक्स तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, जहां पर भी कंटिन्यूअस शब्द आ जाए आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। फिर हम बात करते हैं परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। जहां पर केवल परफेक्ट शब्द आ जाए सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद बचे आपके तीन टेंस, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। नॉर्मली हम देखें प्रेजेंट सिंपल के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, बट उसके साथ में हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। पास्ट सिंपल टेंस की बात करें तो पास्ट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में
तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसके इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं फ्यूचर सिंपल की। फ्यूचर सिंपल में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है और वहां पर उसके साथ हम ऐसे एस कुछ भी नहीं लगाते। तो इस प्रकार से आप तीनों में अंतर कर सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, अच्छा आप बताओगे प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट परफेक्ट की और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, पास्ट सिंपल टेंस की, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, पास्ट परफेक्ट टेंस की, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, फ्यूचर सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर कंटिन्यूअस की, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो डियर स्टूडेंट, हाउ वी लर्न बाय हार्ट? ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल पसंद आता है तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें।